दिस इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स. इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सॉफ्टवेयर, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हार्डवेयर, एंड वी हैव ऑल्सो फॉर्म्ड अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन अ बेटर वे. लेट अस स्टार्ट द लेक्चर. व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर? किसी भी सॉफ्टवेयर को एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने में वी नीड टू हैव थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट आर ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स. ये क्या होती हैं, इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑपरेशनल का मतलब क्या है कि किस तरह से आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो ऑपरेशनल लेवल पे कितना एफिशिएंट है. ऑपरेशनल लेवल मतलब वो कितना बेहतर तरह से काम कर सकता है. इस चीज़ को हम लोग अलग अलग टर्म्स से सिग्निफाई करते हैं, जैसे कि बजट. अगर आप बोल रहे हो कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत ऑपरेशनली एफिशिएंट है, दैट मींस वो विद इन द बजट बना है या नहीं बना है. ओके, देन नेक्स्ट इज़ योर यूजेबिलिटी. उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है. क्या उसकी यूजेबिलिटी ईजी लेवल पे है, दैट मीन्स वो यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है. क्या वो बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन किया गया है. इस सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं क्या वो ऑपरेशनली वेल है या नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज़ एफिशिएंसी. कितना एफिशिएंट है. एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, उसके जो भी फंक्शंस हमने डिज़ाइन करते समय दिए हैं वो सारे फंक्शंस क्या वो प्रॉपरली, टाइमली, एफिशिएंटली कर पा रहा है, एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज़ योर फंक्शनैलिटीज़. अगर आपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया और आपने उनको 5 फंक्शंस इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला, पर जो आपको प्रोडक्ट मिला उसमें सिर्फ 4 ही फंक्शंस थे, दैट मीन्स आपने एक फंक्शन रिड्यूस करके आपने कस्टमर को डिलीवर किया. दिस मीन्स कि आपने उसके फंक्शनैलिटीज़ का ध्यान नहीं रखा. ठीक है, या फिर आपने 5 फंक्शनैलिटीज़ इनकॉर्पोरेट की बट उनमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, कोई फंक्शनैलिटी ढंग से ऑपरेट नहीं हो रही है, देन दिस मीन्स ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ लैगिंग. ओके, देन नेक्स्ट इज़ करेक्टनेस. करेक्टनेस का मतलब क्या है कि सही, कितनी एक्यूरेट आपके रिजल्ट्स डिलीवर कर पा रहा है आपका सॉफ्टवेयर टूल. से अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है जो आपका बॉडी वेट कैलकुलेट करने में कोई डेटा एक्सेप्ट करके आपका बॉडी वेट कैलकुलेट करके प्रेडिक्ट करके आपको देता है, बट अगर वो रिजल्ट्स हमेशा ही मिसमैच्ड हैं, हमेशा ही गलत हैं, दैट मीन्स आपने करेक्ट लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके करेक्टनेस इज़ मिसिंग. ओके, नेक्स्ट इज़ डिपेंडेबिलिटी. हाउ मच डिपेंडेबल योर सॉफ्टवेयर इज़ ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए. उसको बहुत सारी चीज़ें अलग से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं चाहिए होनी चाहिए. तो जैसे ही अगर आप देखते हैं, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी इंस्टॉल हो जाए और जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट होकर आपको रिजल्ट्स देने लगे. वहीं अगर किसी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 10 और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने पड़े, देन इट इज़ नॉट वेरी फिजिबल. सो दिस डिपेंडेबिलिटी शुड बी लेस. ओके, नेक्स्ट इज़ सिक्योर. वी ऑल नो वॉट इज़ सिक्योर. सिक्योरिटी शुड बी देयर फॉर एन ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो दिस इज़ ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक. नेक्स्ट इज़ योर ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक. ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर. किस तरह से, कितनी जल्दी हमारा सॉफ्टवेयर ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करता है, इस चीज़ को हम ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लाते हैं. इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग पोर्टेबिलिटी. ये वर्ड हमने सुना है, पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इज़ योर सॉफ्टवेयर पोर्टेबल. क्या वो पोर्टेबल है, क्या वो अलग अलग मशीन्स में, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट होने में केपेबल है, येस और नो. सो दिस मीन्स पोर्टेबिलिटी. नेक्स्ट इज़ योर इंटरऑपरेबिलिटी. इंटरऑपरेबिलिटी मतलब इंटरनली वो ऑपरेशंस को मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इंटरनली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है. इंटरनली का मतलब क्या है, विद इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विद इन डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, विद इन डिफरेंट रिसोर्सेज, परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं. अगर नहीं आते हैं देन इट मीन्स ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेटिस्फाइड. ओके, नेक्स्ट इज़ योर रीयूजेबिलिटी. आपका सॉफ्टवेयर कितना रीयूजेबल है, आप उसको कितने एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, कितने एफिशिएंटली उसको रीयूज़ कर सकते हो विदाउट एनी डिटोरिएशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर. ओके,
नेक्स्ट इज योर अडेप्टेबिलिटी, आपका सॉफ्टवेयर कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकता है डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ, डिफरेंट फंक्शंस के साथ, डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ। अगर जितनी जल्दी कर सकता है दैट मीन्स आपका सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर उतना ही बेहतर है विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मेंटेनेंस कैरेक्टरिस्टिक। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, आपको उसको कितना एडिशनल पैम्पर करना पड़ता है आपने सॉफ्टवेयर को कि वो उतना ही एफिशिएंटली काम करे जितना वो डे वन पे कर रहा था। तो ये सब चीज़ों को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब अगर आपका सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल्स बना है देन इट इज़ मेंटेनेबल, इट इज़ ईजी टू मेंटेन अ सच सॉफ्टवेयर। क्योंकि आप अगर एक मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस मॉड्यूल को रिप्लेस करते हैं या सिर्फ उस मॉड्यूल को करेक्ट करते हैं और बाकी आपके सॉफ्टवेयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मॉड्यूलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स आपका सिस्टम उतना ही मेंटेनेबल है। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी अगेन सेम थिंग, उतना कितना इजीली आप सिस्टम को मेंटेन कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर सकते हो, दैट डिफाइंस मेंटेनेबिलिटी। नेक्स्ट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी, आपका सॉफ्टवेयर कितना फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस। अगर आपने कहीं एक जगह कोई चेंज किया किसी लॉजिक में तो वो चेंज सब जगह खुद रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दैट्स दिस मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। नेक्स्ट इज योर स्केलेबिलिटी, अगर आपका सिस्टम, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया वो 5 फंक्शंस को आज परफॉर्म करने में केपेबल है, आफ्टर 2 ईयर्स आप चाहते हो सेम सॉफ्टवेयर को मैं अपडेट करूँ और अब वो 10 फंक्शंस परफॉर्म कर सके, अगर ऐसा करना केपेबल है, अगर ऐसा करने में सॉफ्टवेयर केपेबल है देन दिस इज़ नोन एज स्केलेबिलिटी। नाउ अवर सॉफ्टवेयर इज स्केलेबल, स्केल किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है देन इट इज़ अ गुड थिंग, दैट मीन्स अवर सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई मेंटेनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो दीज वर द मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। थैंक यू।